दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं GTT ऑर्डर के बारे में। दोस्तों अगर आप अपने स्टॉक में लाइव मार्केट में GTT ऑर्डर को यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिए। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने स्टॉक वाला ऐप ओपन किया हुआ, सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं GTT ऑर्डर होता क्या है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता तो एटलीस्ट सीख लें कि GTT ऑर्डर होता क्या है। दोस्तों GTT ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, हम टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ लगा सकते हैं। दोस्तों ये फैसिलिटी खाली GTT ऑर्डर में ही आपको मिलती है, अदरवाइज आप रेगुलर ऑर्डर में टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फंड की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों अगर हम GTT ऑर्डर को पेश करते हैं तो हमें कहीं दोनों ही चीज़ हम लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम लगाना सीख लेते हैं कैसे हम लगाते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल लाइव मार्केट नहीं चल रहा है, फिर भी मैं यहाँ GTT ऑर्डर यहाँ प्लेस करके आपको दिखाऊंगा। तो GTT ऑर्डर का यही बेनिफिट है कि आप GTT ऑर्डर को लाइव मार्केट में जब नहीं चल रहा आप पहले भी इसे लगा कर छोड़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम GTT ऑर्डर यहाँ लगा के देख लेते हैं। उसके लिए दोस्तों हम 4820 की कॉल को यहाँ बाय करके दोस्तों यहाँ देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ हम बाय पे चलते हैं, सीधे बाय पे हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको GTT सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ गुड टिल ट्रिगर, ठीक है। तो ये हमने दोस्तों सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों कितना आपको बाय करना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक लॉट से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी दोस्तों जैसे कि प्राइस यहाँ 230 चल रहा है, मतलब अगर ये 235 आए या 225 आए इसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। मान लेते हैं आपको लग रहा मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि अगर ये 235 के ऊपर निकले तो ये हमारा बाय हो जाए। तो उस केस में दोस्तों आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इफ़ प्राइस इज़ बिलो है अभी फिलहाल, तो अगर मैं प्राइस इफ़ अबव कर देता हूँ, अगर ये 235 ऊपर निकले तब ये हमारा बाय हो जाए। तो यहाँ हम 235 दोस्तों यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसी मार्केट ये 4820 कॉल जैसे ही 235 से ऊपर निकलेगा वैसे ही ये हमारा बाय हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ आपको फैसिलिटी मिलती है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हैं। मान लेते हैं आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोस्तों लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता है 215, ठीक है। ऐसे ही अब अगर आपको टारगेट लगाना है, जैसे डबल का टारगेट लगाना है तो आप डबल का लगा सकते हैं। जितने पॉइंट्स का आपको टारगेट लगाना है वो आप यहाँ लगा के छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं 275 का लगा देता हूँ, ठीक है, 40 पॉइंट्स का डिलीवरी, ओके। तो दोस्तों यही बेनिफिट है। अब देखिए GTT ऑर्डर एक्टिव टिल 20 दिसंबर 2023, तो ये जब तक ये एक्टिव रहने वाला है, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी है 20 दिसंबर तक की है, इसलिए ये 20 दिसंबर तक एक्टिव रहेगा। तो आप इसे लाइव मार्केट में भी प्लेस कर सकते हैं और जब आप लाइव नहीं है उससे पहले भी दोस्तों आप प्लेस कर सकते हैं। तो GTT ऑर्डर का ये बेनिफिट है। दो बेनिफिट हमने देख लिया कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोस्तों हम एक साथ लगा सकते हैं, देन दोस्तों हम इसे लाइव मार्केट के अलावा भी इसे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों रिव्यू बाय ऑर्डर करता हूँ एंड सबमिट कर देता हूँ। अब क्या होगा दोस्तों, ये देखिए हमारे GTT ऑर्डर यहाँ प्लेस हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ही कल मार्केट खुलेगा तो अगर ये 235 क्रॉस करेगा तो ये हमारा शायद बाय हो जाए, बट दोस्तों ये ऐसा नहीं है। अगर ये डायरेक्ट 235 ओपन हो जाता है तो ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। कई लोगों का ये क्वेश्चन रहा है कि अगर मार्केट उससे ऊपर निकल जाता है तो दोस्तों बिल्कुल ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होने का। जब मार्केट अगर ओपन होता है 230 पे या 225 पे, उसके बाद अगर ये ऊपर निकलेगा तब जाके एग्जीक्यूट होगा। अगर ये डायरेक्ट 250 पे ओपन हो जाता है तो ये दोस्तों हमारा एग्जीक्यूट नहीं होने का, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि शेड्यूल नज़र आ रहा है, तो दोस्तों मान लेते हैं हम लाइव मार्केट में हैं और अभी 225 का भाव चल रहा है और धीरे 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 करके ये पहुंच जाता है 235, तो ये दोस्तों हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इनमें से जो भी पहले टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होगा वो हमारा ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमारा टारगेट कैंसिल हो जाएगा, अगर टारगेट हिट हो जाता है तो ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा। दोनों में से एक जो हो जाता है उसके बाद ये ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। बात रही है GTT ऑर्डर की, तो ये कैसे प्लेस करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों इसकी समस्या देखते हैं। एक समस्या तो मैंने आपको बता दी कि अगर ये डायरेक्ट ओपन होता है तो ये हमारा एग्जिट नहीं होगा, बट दोस्तों अगर आप लाइव मार्केट में भी इसे लगा रहे हैं तो ये एक कंडीशन में एक्टिवेट नहीं होता। कई बार इसमें लैगिंग की समस्या आती है, कई बार कुछ बग्स हैं क्या है, पर ये एग्जीक्यूट हमारा नहीं होता। मान लेते हैं मार्केट ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है, मतलब 220 से 230 की रेंज में ही चल रहा है या 200 से 220 की रेंज में चल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके ऐसे, कभी एक कैंडल कभी छोटी कैंडल, तो ऐसे ऐसे करके चल रहा है। बट अचानक एक मूव ऐसा आता है, एक लंबी सी विक आती है, तो दोस्तों उस केस में क्या होगा, ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये खाली पेंडिंग रह जाएगा, यहाँ ओपन लिख के आएगा, खाली ओपन रह जाएगा बट ये एग्जीक्यूट नहीं होगा।
दोस्तों ये बहुत समस्या है। अगर दोस्तों किसी ने स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाए हुए हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी लाइव पोजीशन चल रही है और आपने एक स्टॉप लॉस लगाया नीचे की तरफ की, अगर 220 से नीचे निकले तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट क्या होता है मार्केट बिल्कुल नीचे आ जाता है बहुत तेज़ी से, उस केस में हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता और हमें लॉस होने लगता है। ऐसे ही दोस्तों टारगेट होता है, अगर आपने टारगेट लगाया और एकदम से ऊपर निकलता है तो टारगेट हिट नहीं होता और हमारे टारगेट हिट नहीं होते, समटाइम्स क्या होता है ऊपर जाके फिर नीचे आता है तो सब शायद जब एग्जीक्यूट हो जाए, पर दोस्तों इसमें ये लैगिंग है, कुछ समस्या है जिससे ये एग्जीक्यूट नहीं होता। अब क्या है, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा अगर मार्केट जो है धीरे धीरे करके जब ऊपर यह जाता है तो उस केस में ये एग्जीक्यूट हो जाता है, बट दोस्तों अचानक से अगर विक या कोई मूवमेंट आता है, तेज सा मूवमेंट आता है कुछ नीचे या ऊपर, उस केस में दोस्तों ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो जब भी आप लाइव मार्केट में इस ऑर्डर को लगाते हैं तो इसको ध्यान रखिए कि अगर कोई एकदम से मूवमेंट आता है तो हो सकता है आपको लॉस या प्रॉफिट दोस्तों जो भी हो वो हो सकता है, ठीक है। तो लगा के छोड़ देना कोई वो नहीं है, बट आपको थोड़ी देर बाद ट्रैक ज़रूर करना है। तो ये थी समस्या कि ये एग्जिट नहीं होता। एंड दूसरी दोस्तों इसमें एक और प्रॉब्लम है कि अगर आप चाहते हैं कि फ्रीजिंग लिमिट से, मान लेते हैं बैंक निफ्टी की फ्रीजिंग लिमिट 900 है, अगर आपको इससे ज़्यादा क्वांटिटी पे जीटीटी ऑर्डर को प्लेस करना है तो आप प्लेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि 49,500 के कॉल को मुझे बाय करना है, मान लेते हैं 1800 क्वांटिटी मुझे बाय करनी है जीटीटी ऑर्डर के थ्रू, मैं इस ऑर्डर को प्लेस करने जा रहा हूँ जीटीटी, ठीक है। मान लेते हैं 20 से ऊपर निकले तो सॉरी इसे मुझे 1800 क्वांटिटी लिखनी है यहाँ पर। दोस्तों जैसे ही मैं 1800 क्वांटिटी लिख रहा हूँ तो ये देख क्या कह रहा है कि 900 से कम क्वांटिटी होनी चाहिए जीटीटी ऑर्डर में। तो दोस्तों इसमें एक कमी ये है कि आप फ्रीजिंग लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी प्लेस नहीं कर सकते जीटीटी ऑर्डर के थ्रू, ठीक है। एक इसका ये नेगेटिव पॉइंट है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ देखे जीटीटी ऑर्डर के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, दोनों ही चीज़ दोस्तों हमने यहाँ देखी। और दोस्तों जब आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट लगाते हैं उस केस में भी ये दोस्तों एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसे हमें यहाँ मैं से जीटीटी ऑर्डर के थ्रू बाय करता हूँ, मैं बता देता हूँ, जैसे मुझे 30 क्वांटिटीज़ की बाय करनी है बिलो, मान लेते हैं कि ये 20 रुपये पर जाए तो ये हमारा बाय हो जाए, ओके सॉरी ये अब करना है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों ये 20 रुपये से ऊपर आए तो ये हमारा बाय हो जाए, मान लेते हैं 20 रुपये हमने लिख दिया कि 20 रुपये आएगा तो बाय हो जाए, और हम 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं और टारगेट दोस्तों हम 24 का लगा देते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं 900 क्वांटिटी हम ट्रेड कर रहे हैं, अरे यार क्या कर दिया मैंने, ये तो 20 रहेगा 900 यहाँ रहेगा। मान लेते हैं हम 3-4 पॉइंट का ही प्रॉफिट लेना चाहते हैं, बट दोस्तों क्या होगा कि जब अचानक विक से ऊपर जाएगा ना तो क्या होगा कि ये टारगेट से ऊपर चला जाएगा, 20 आने के बाद सीधे 25-26 मतलब इतनी तेज मूवमेंट आया तो उस केस में दोस्तों क्या होता है टारगेट को भी जंप कर देता है, तो इसलिए शायद ये एग्जीक्यूट नहीं होता जो मुझे कभी कभी लगता है। बट अगर मार्केट धीरे धीरे जाएगा तो पक्का आपका एग्जीक्यूट होगा, कोई समस्या नहीं होगी, बट अगर अचानक से जाएगा तो जीटीटी ऑर्डर परेशानी आपको दे सकता है। तो अगर आपको कभी लगता है कि मूवमेंट तेज़ी से आ सकता है तो आप अवॉइड कर सकते हैं जीटीटी ऑर्डर को, ऐसे नॉर्मल में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही कुछ दिक्कतें थी जो मुझे बतानी थी कि जीटीटी ऑर्डर के क्या प्रोज हैं, क्या कौन से हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हो सकता है इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नई वीडियो से, आज के लिए धन्यवाद।